समझने के लोग से आए, उसमें कौन सी बात है? और समझने के लोग के साथ साथ ज्यादा समझ गए तो मान हो गया, मैं समझ गया पंडित जी की बात, कोई नहीं समझा। अभी किसी से प्रश्न पूछ ले, वो जवाब दे दे, बाकी नहीं दे पाए, तो एक जो आनंद आता है ना, वो इस बात का आता है कि कोई नहीं बता पाया, तो मान का साहे का रोध ध्यान हो गया। ले मनी दे ऐसे बैठा है बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ एक दो चार घंटे इसकी मेहनत करो आप, यही प्रोजेक्ट वर्क है कि देखो आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, किसका आ रहा है जी, आप टटोलो किसका आ रहा है। तो अब आप कन्वर्टेड इंटू ज्ञान चेतना, सुबह सुबह उठते से पूजा पाठ की याद आई तो आठ ध्यान हो गया। अरे यार कौन जाए, सोने दो, आठ ध्यान। सुबह सुबह उठते से अरे छः बज गई, फटाफट मैं जा रहा हूँ मंदिर, रोध ध्यान। अब काय का ये आप देखो, आठ रोध ध्यान तुम्हारे छूटेगा ही नहीं, होगा वो तो। तो अब एक काम करो, ओह क्योंकि विश्व में सर्वोत्तम मुझे बताया है। भगवान की पूजा करने का मन क्यों करता है, स्वाध्याय करने का मन क्यों करता है? पंडित साहब ने बहुत सुंदर जयमाला लिखी है बीतराग पूजन में, जयमाला की पहली पंक्ति जोरदार, प्रभु आपने एक व्यायक बताया, तीनों लोक में नाथ अनुपम जता। बस इसके लिए मुझे आनंद आ रहा है, इसलिए मुझे और कुछ नहीं। तो वो क्या है, आनंद आ रहा है, कन्वर्ट हो गया। अब इससे मालूम क्या होगा, अब कोई तुम्हारी उपेक्षा भी करेगा ना मंदिर में, तो ऐसा नहीं लगेगा तो जे पड़ा तुम्हारा मंदिर, जे रहे तुम्हारी भगवान, हम तो चले कहाँ, चले चले कहाँ, ये तो बताओ, वो ना हमारे ही भगवान है। ओ इतना गंदा विचार, इतना गंदा विचार, आपको पता है इस गंदे विचार का फल, जिसको ऐसा लगता कौन हमारे भगवान है, हम कोई और मंदिर चले जाएंगे। ऐसे लोग फुटबॉल की तरह ठोकरे खाते, घर में दो दो चार चार बेटे होते हैं और फुटबॉल की तरह ठोकर खाते, एक बच्चा अपने पास नहीं रखता, कौन हमारे पिताजी। औरों के भी तो हैं, उधर भी तो जाओ, बड़े घर जाओ, ठोकर खानी पड़ती है। आप क्या समझते हो जी कर्म का फल, धर्मी धर्मात्मा को देख करके, क्या हमारा ही घर है सबके लिए, और कोई का घर नहीं है। सुना, अब तुम्हें भी पता लगेगा, जब तुम्हें भी कभी जरूरत पड़ेगी तुम्हें कोई सहारा नहीं देगा। मैंने अब ये एक फिर वही वाली बात है, तुम्हें कर्म फल भी नहीं मालूम। ध्यान रखना, वहां नौ कर्म में कर्म का फल बताया था और यहां कर्म फल चेतना बता रहे। समझ में आया कुछ, शाम की पढ़ाई में कर्म, नौ कर्म का फल मतलब कर्मों का फल, नौ कर्म, कर्म का फल नौ कर्म, और नौ कर्म की प्राप्ति में जो हर्ष विषाद है वो यहाँ पर कर्म फल चेतना है। कर्मों की तरफ से भी कर्म फल चेतना ही पढ़ाना है, इनसे छूटो, इनमें फंसो मत। समझ में आए, हा, अब फिर से कन्वर्ट करो, भगवान के दर्शन पूजन करने के बाद क्या करना है बोला, ज्ञान चेतना में कन्वर्ट कर। भोजन करने बैठोगे, मुनिराज क्या करते हैं, मुनिराज क्या करते हैं, पहले ही कायोत्सर्ग करते हैं, कायोत्सर्ग का मतलब ही ज्ञान चेतना है। अपन अपने लिए फॉर्मेलिटी है, हम लोग भी स्वाध्याय करते हैं ना, अपन लोग अभी प्रवचन होने के बाद कायोत्सर्ग करेंगे। कायोत्सर्ग का मतलब, कायोत्सर्ग का मतलब कर्म फल चेतना का त्याग। फिर से सुनो, कायोत्सर्ग, उत्सर्ग माने त्याग, ओ काया, तो काया ओ या और उ यो हो गया, कायो या और उ मिलकर यो हो जाता है, कायोत्सर्ग माने काया का त्याग। माने काया क्या थी, कर्म का फल, और इससे रिलेटेड सब भी क्या थे, नौकर्म, कर्म के फल। सुनो कायोत्सर्ग, हाँ एक घंटा में सुना, मैं गायक हूँ गायक हूँ गायक, हाँ हमें गायक ही हूँ। अब ये बात किसी को पता नहीं, तो गिनना पड़ती है क्या करो, कायदे से तो कायोत्सर्ग उसका नाम लिखा है जिसमें उंगलियां भी नहीं हिलती, पलक भी नहीं झपकती, ओंठ भी नहीं हिलते, और मन में भी विचार नहीं आता पंच परमेष्ठी का,
कुछ कह गए, समझ में आया कुछ, असली काय सर तो ऐसा होगा, लेकिन समूह में तो ऐसा ही होगा, अब क्या करें, क्यों सभी काय सर समझते नहीं है, तो काय हिलाते रहते, मान लो एक मिनट खड़े रहने के लिए कह दो, दो मिनट, तो बार बार देखेंगे कब पंडित जी कब झुक रहे, पंडित जी कब झुक रहे, दो चार लोग झुक गए तो अपन भी झुकें, कोई चल दिया तो अपन भी चले, इसलिए वो मजबूरी है कि चलो एक डिसिप्लिन, नो वर्णम कर्मन पढ़ो, इसलिए वह हो ले असली काय सर्ग, इसका नाम है प्रभु, एक घंटा में हमें ग्याय 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 से भिन्न भगवान आत्मा सुना है, कर्म फल चेतना से, कर्म फल से भिन्न भगवान सुना है, ओ अब मैं कर्म फल में नहीं चेतूंगा, इसका नाम काय सर्ग। सरल भाषा में बोलूं जरा, बहुत अच्छी परिभाषा समझो, ज्ञान चेतना किसे कहना, कि कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से रहित, उसका नाम ज्ञान चेतना है, बस देह से भिन्न ज्ञाय का अनुभव करो, इसका नाम ज्ञान चेतना है। करो काय सर, मुहिराज क्या करते हैं, डॉलर को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, समझ गए, आर्थ रोध ध्यान को धर्म ध्यान में कन्वर्ट करती है, शुक्ल ध्यान नहीं करते, आहार के टाइम शुक्ल ध्यान नहीं कर सकते, जैसे बच्चे होते ना, बच्चे तो जब भी भोजन करने बैठते हैं तो मम्मी सबसे पहले उनका अटेंशन, पे अटेंशन हियर, गिराना मत, कपड़ा बांध लो, एक नेपकिन रख लो, चम्मच से खाना, पूरा हाथ नहीं भिड़ाना, कब तक बताती है ये सब बात, जब तक बच्चा मैच्योर नहीं हो जाए, ऐसे ही धर्म ध्यान कब तक करना, जब तक मैच्योर नहीं हो जाओ, बुद्धिपूर्वक करना हो, और धर्म ध्यान में मैच्योर हो जाए तो फिर शुक्ल ध्यान प्रारंभ होता है, आठवें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान प्रारंभ होता है, आ देख लेना यह था योग, आठवा सातवा मेरे ख्याल से तो आठवा ही होगा, यहाँ तक शुक्ल ध्यान की शुरुआत देख लेनी यहाँ से, है ना, मेरे को ज्यादा करना नहीं, याद नहीं भैया, लेकिन होगा लगभग लगभग, चलो तो अब क्या करना बोलो, अब आपके पास तीन ही है, शुक्ल ध्यान तो होना नहीं इस कलिकाल में, शुक्ल ध्यान तो होना नहीं है, तो अब तीन है, दो का आपको धर्म ध्यान करना है, भोजन करने बैठो नौकार में पढ़ो, शांति से बैठ जाओ, सुनो अच्छा भोजन मिलेगा तो अभी हम क्या है, अच्छा भोजन नहीं मिलेगा तो सरस अन्य मन प्रसन्न नहीं भाव, मैं गायक हूँ बस, अभी अभी क्या होता था, अच्छा भोजन नहीं बनता था तो बहू पर इतनी गुस्सा आती थी, 24 घंटे में एक बार खाती हूँ जो खाने तक नहीं देती, यदि गुस्सा आ जाए ना 24 घंटे में एक ही बार खाना है, संडे का दिन होता है ना कई बार, तो लोग रविवार रविव्रत करते हैं, रविव्रत एक ही बार खाना है, और उसमें नमक भी नहीं खाना है, लेकिन बहू ने अच्छा टेस्टी नहीं बनाया, खाया भी और बोल तो सकते नहीं, मौन हुआ तब, वैसे मौन खत्म सा हो गया लगभग, लेकिन मौन पूर्वक खाया और अंदर गुस्सा आया, तो दो बातें हो सकती हैं आपको, अज्ञान चेतना कहो कर्म चेतना कहो, तो ये हो सकती है कि हे भगवान मैं इतनी पूजा करती हूँ, कम से बहुत ठीक से भोजन तो बनाए अगली बार, आज तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, आज तो मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम अच्छा बनना चाहिए, ये कर्म चेतना, और आज का अच्छा नहीं लग रहा है ये कर्म फल चेतना, आज भोजन अच्छा नहीं लग रहा खेत कर्म फल चेतना, अब इन दोनों चेतनाओं को ज्ञान चेतना में कन्वर्ट करो, यदि आज भी फेल हो रहे हो अभी भी कर्म फल चेतना चल रही है, भोजन खराब बहु खराब, भोजन खराब बहु खराब, मेरी किस्मत खराब, ढंग ही नहीं मिलता खाने, रोको, ज्ञानी होगा ना तो ऐसी भावना भाएगा, मजा तो तब आए जब अगले संडे भी ऐसी भोजन बने, क्या कह रहे, ताकि मेरा टेस्ट हो जाए, मेरी परीक्षा हो जाए, एक दृष्टांत दूं तो जल्दी आप लगा लेने सब जगह, आपने पांडवों के बारे में पढ़ा होगा, एक आता है उनके बारे में कि गुरु जी ने छोटे छोटे बच्चे थे पांचों पांडव और कौरव, 105 बच्चे पढ़ते थे, तो उनसे कहा बेटे कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, याद करके लाना कल, कभी क्रोध नहीं करना चाहिए याद करके लाना कल, अब वो सब बच्चे एक लाइन थी सरल है याद कर लिया उन्होंने, उन्होंने गुरु जी ने पूछा बोलो बेटे बता दी सब, युधिष्ठिर से पूछा बोलो साहब याद नहीं हुआ, कैसे याद नहीं हुआ, अभी हल बोला ना क्रोध नहीं करना चाहिए, अब बोल कि साहब अभी भी याद नहीं हुआ, पिटेगा तू बोल
अभी बोला ना क्रोध नहीं करना चाहिए, कि साहब नहीं हुआ यार, एक दिया बिना धड़ा। अब बोल याद हो गया, तो गुरु जी ने माथा पकड़ लिया कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं चार बार कह रहा हूँ, 100 बार ये बच्चे बोल रहे हैं, याद नहीं हुआ, इतना सा सेंटेंस याद नहीं होता, क्रोध नहीं करना चाहिए। तो वो बोला, वो बालक युधिष्ठिर बोला, गुरु जी आपकी शिक्षाएं रटने लायक नहीं है, अनुकरण करने लायक है। आपने कहा क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे ही आपने पूछा मैं नहीं बता पाया ना, तो मुझे इरिटेट हुआ थोड़ा। फिर जब आपने दूसरी बार कह करके भी बोला ना, तो वो जो इरिटेशन थी, मैं उसे टेस्ट करना चाहता था, तो जब दूसरी बार आप जोर से बोलते तो फिर मुझे इरिटेट हुआ, और फिर आपने जब लाफे खींच दिया तब मुझे लगा कि नहीं ठीक है, मैं पास हो गया, मुझे कोई क्रोध नहीं आया। यदि मैं जवाब नहीं दूंगा तो गुरु को मारना ही चाहिए, मुझे जस्टिस लगा, न्याय लगा। मैंने आपसे माफ़ी नहीं मांगी कि कल पढ़ा दूँ, कल याद करके सुनाऊंगा, मेरे को क्षमा मांगने का मन नहीं हुआ। आपने बिल्कुल ठीक किया हाथ खींच करके, एकदम मुझे भेद विज्ञान हुआ, अभी की भाषा में कहो तो कन्वर्टेड इनटू ज्ञान चेतना। बढ़िया, आपने ठीक किया गुरु जी। इससे आगे युधिष्ठिर के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं, पूरे जीवन कितनी शांत मूर्ति थी, कैसे भद्र पुरुष थे। रामचंद्र जी के मामले में भी ऐसा समझा जा सकता है, शेष सुदर्शन के मामले में भी कर्म का फल तो आया था, लेकिन कर्म फल चेतना को जीत रहे थे। बहुत अब मुझे इतना अच्छा चिंतन चल रहा है इस समय शेष सुदर्शन के बारे में, कि ऐसी इच्छा हो रही कि 1 घंटा प्रवचन करूं। आप समझ सकते हो, जैसे ही शेष सुदर्शन को नग्न पकड़ा गया रानी के कक्ष में, वो कन्वर्सन में लग गए, ज्ञान चेतना में, लॉजिक देने में नहीं लगे, बचने में नहीं लगे, क्षमा मांगने में नहीं लगे, कौन से तर्क से राजा को खुश करूं कि मैं छूट जाऊं और सारी दुनिया मेरा अपमान होगा, मान का साए में नहीं लगे, मेरे बच्चों का क्या होगा, कर्म फल चेतना में नहीं लगे। सोचो तो जरा कहां कहां नहीं लगे, केवल एक ही चल रहा था अंदर, कन्वर्सन। देखें आगे क्या होता है, रानी खराब नहीं लग रही, रानी ने झूठा ब्लेम नहीं लगाया, दासी बहुत खराब है ऐसा नहीं लग रहा, चेक कर रहे हैं अपने आप को, एक भी नौकर्म की शिकायत तो नहीं है यहाँ, चेक कर रहे हैं बार बार वेद विज्ञान की आ रही, मानी इसको कहते हैं अंतर्मुख। सुन लो, बहुत लोग पूछते हैं अंतर्मुख क्या करें, अंतर्मुख क्या होता है, ये है अंतर्मुख। बोलो आपको कौन कौन दोषी लगता है, हो सकता है अपने को तो कर्मफल चेतना में ऐसा भी विचार आ जाता, अरे यार अपने को घर के अंदर ही नग्न होना था, शमशान में नग्न होना ही नहीं था, ना कल अपन नग्न होने आते वहाँ और ना ये सब घटना घटती, बेफजूल बदनामी हुई। उन्हें अपने पूर्व पर्यायों पर भी प्रागभाव, अंतर्मुख इसका नाम है, पूर्व पर्याय का कोई तकलीफ नहीं, मैंने कोई गलती की, कोई गलती नहीं, इनने कोई गलती की, इनने भी कोई गलती नहीं की, रानी ने भी कोई गलती नहीं की, राजा ने भी कोई गलती नहीं की। ओ अब एक भी बार लॉजिक दिमाग में नहीं चल रहा कि इन्हें समझाएं, इन्हें समझाएं, इनसे छूट जाएं, मेरा अभ्यास दूर हो जाए, एक भी उपाय नहीं कर, लोग क्या कहेंगे, इतिहास में क्या लिखा जाएगा, कुछ नहीं किया। इसका नाम है ज्ञान चेतना। बहुत पॉसिबल है, करते तो हो, आप भी करते हो, डरो मत, यदि 1 घंटा बोलो तो आपको भी लगे हम भी करते हैं। जहां जहां आप पेशेंस रखते हो, काय के बल पर रखते हो, स्वाध्याय के बल पर नहीं रखते, जितना पेशेंस रखते हो। बोलो आप, आपका एक रिश्तेदार बताओ जिससे कभी बुरा ना लगा हो, फिर भी व्यवहार चलता है कि नहीं, पत्नी बुरी भी लगती है और फिर अपन फिर एडजस्ट करते हो कि नहीं, तो कहीं ना कहीं स्वाध्याय का बल है कि नहीं, चलो भाई कर्म का योद्धा है। अब इतनी बात है कि तुम उसको बहुत जल्दी छोड़ देते हो, ग्राहक तक नहीं आते, आप ग्राहक तक आओ ना, आनंद आएगा आपको। अभी अब मैंने कहां से बात उठाई थी कि संडे के दिन बहू ने अच्छा भोजन नहीं बनाया तो अंदर बुरा लग रहा था, अज्ञानी ये भावना भाते निदान बंद, कर्म चेतना, निदान बंद मैंने कर्म चेतना, हे भगवान पारसनाथ
मैं इतने वर्षों से आपका व्रत उपवास कर रही हूँ, लेकिन भोजन तो ठीक से मिले कम से कम। ये निदान बंद, निदान बंद मैंने कर्म चेतना, सुन रहे हैं, कर्म चेतना। ज्ञानी कर्म चेतना नहीं करता। यदि आज कर्म चेतना भी हुई ना, तो फिर वो फिर सोचता है अगले संडे को ऐसे ही भोजन मिले, मैं फिर टेस्ट करूंगा अपने को। और एक सप्ताह तक उसी उसी का, मैं कंप्यूटर के भाषा हमेशा बोलता हूँ, स्कैनिंग करेगा। मुझे इसका बहुत मजा, मैंने तो बहुत मजा लिया इस चीज़ का जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसका बहुत आनंद लिया। बहुत सारी चीज़ें मैं अभी भी स्कैन नहीं कर पाया, मैंने चलती रहती लड़ाई, और बहुत सारी चीज़ों को कर लिया, उतने का आनंद है। मेरे जीवन में भी घटनाएं तो सबकी घटती है, लेकिन वो मजा लिया नहीं ना, तो आप कन्वर्ट करो। प्रसंग सबके पास आते, मेरे पास भी प्रसंग आए, कॉलेज में आए, जॉब में आए, बहुत आए। जिन जिनकी तैयारी कर ली थी, बहुत मजा लिया उनका। अभी अभी बुद्धि पूर्वक मेहनत करो, और इसमें तत्व निर्णय और स्वाध्याय काम करेगा, बाकी कुछ नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है भैया? सोचो आप, मैंने तो हर बार बताई ये चर्चा नहीं है। बोलो, आप किसी के साथ तीर्थ यात्रा में जाओ, मेरे साथ जाओ, और आपको ककड़ी खानी है, सरल एग्जाम्पल, और आपके पास छुरी नहीं है। मेरे बैग के फ्रंट पॉकेट में ऊपर ऊपर ही छुरी है, और मैं नहीं दूं तो अब स्कैन करो, सोचो। छुरी ककड़ी रसनेन्द्रिय का स्वाद कितनी देर के लिए है, और साधर्मी का संयोग कितने समय तक के लिए चाहिए आपको, बोलो। अब चाहो तो आप इतना निदान बंद कर सकते हो, ऐसे पंडितों के साथ मुझे कभी नहीं जाना, मुझे नहीं चाहिए ऐसे धर्मात्मा जो एक छुरी नहीं दे सकते। इतना लोभ, इतना मोह पंडित जी को, दो पैसे का नमक नहीं दे सकते। हमने कहा था जरा जीरा मन देने, जरा ओहो, रसना इंद्री और जीरा मन और लोभ कसाय इतनी हावी, एक भगवान आत्मा औदिक भाव से भिन्न नहीं देख सकते क्यों? तुम्हारे कर्म का उदय नहीं जो वो नहीं मिला, तो तुम्हारी गलती है कि सुमत प्रकाश जी की गलती है? ये सुमत प्रकाश जी ने इतना जीरा मन नहीं दिया, इतना सा मांगा था, इतना सा, अब कितनी कितनी कसाय खा ले, रख ले। ये भगवान, स्कैन करो, आप अपने कर्म का उदय का विचार करो। एक बात समझो आप, ज्ञान चेतना इजिकल टू सारा जगत निर्दोष दिखाई दे। क्या कहा? ज्ञान चेतना इजिकल टू सारा जगत निर्दोष दिखाई दे। नहीं दिखाई दे तो देखने की के लिए अभ्यास करो, चार अभाव से अभ्यास करो, निश्चय व्यवहार से अभ्यास करो, कर्म फल से विचार करो, कर्म फल चेतना से विचार करो, जैसे बने वैसे करो। आप अपने उपयोग को तब तक घुमाओ जब तक सब निर्दोष दिखाई ना दे, नहीं तो आपको आर्द्रवत ध्यान नहीं छूटेगा। और आप इसका मतलब आप शरीर हो, शरीर के लिए नमक चाहिए कि आत्मा के लिए चाहिए? इस शरीर के नमक के औदिक भाव से भिन्न भगवान आत्मा नहीं देख सकते। और आपके कर्म के उदय में पंडित जी निमित्त बने, आप अपने कर्म को उदय से भिन्न करके देखो पंडित जी को, तो निमित्त दिखाई नहीं देंगे। हाँ, फिर पढ़ लो आप प्रथमानियोग, चलो प्रथमानियोग पढ़ लो। जब अंजना बालक को लेकर घर आई, सासू के चरणों में गिर पड़ी, तो सासू ने सिर पैर पीछे पीछे खींच ली पैर, और मुंह फेर लिया, और फूट फूट करके छाती फूट कूट के रोने लगी, बेटी तू मुझे माफ कर दे, मैं तेरे द्वारा चरण स्पर्श कराने लायक नहीं, मैं वह कलंकनी नारी हूं जिसने अपने घर में अपने बेटे का, नाती का, पोते का, जो भी कहते हो आप, उसका जन्म नहीं देख पाई। हा बेटा, तू निर्दोष थी और मेरे कारण तू दर दर की ठोकरें खाती रही। बेटा आज मुझे कितना कष्ट है, आज मेरी गलती से मेरा बेटा कितना दुखी हुआ, उसे पूरे तरफ से ऐसा लग रहा है मैं खराब, तू सही। बहू ने बड़ी शांत भाव से कहा, माताजी आपका 1% भी दोष नहीं है, क्योंकि निमित्त हमेशा निर्दोष होते हैं। आप निमित्त तो बने हो, लेकिन मेरे कर्म के उदय के बिना आप कैसे निमित्त बनती? अरे पूर्व में मैंने ज्ञानियों की विराधना की है, अच्छी भाषा में बोलो, मैंने ज्ञान चेतना की विराधना की है। पहले मैंने कर्म चेतना में आनंद माना, कर्म फल चेतना में आनंद माना, माता जी आपका क्या दोष है? आप बिल्कुल दुखी मत हो,
ये उत्तर कहां से निकला होगा बोलो? अंजना को पहली बार 22 वर्ष बाद पति मिला, तब उसने ये नहीं कहा जरूर सासू ने कान भरे होंगे आपके, ऐसा कुछ नहीं कहा। और चलो मिल गए, और फिर बालक होने के बाद मिले अंजन और पवन दोनों मिले, तो भी उसने ये नहीं कहा देख लो तुम्हारी अम्मा की करतूती, जरा विश्वास नहीं है, कुछ नहीं कहा। ये बात क्यों नहीं निकलती प्रश्न सोचो इस पर। ऐसी कर्म चेतना और कर्म फल चेतना दिखाई नहीं देती तब नहीं निकलते। जब तक आपको ये रहेंगी तब तक आप दूसरों को दोष देते रहोगे। और फिर सुनो, सम्यक दर्शन दूसरों को दोष देने से नहीं होता। कितनी सुंदर ज्ञान चेतना है। अब ये पुरुषार्थ समझ में आ रहा होगा आपको, इसमें पुरुषार्थ लगेगा। दोष देने में क्या लगा, झट के तो कान भरे होंगे उन्होंने, ऐसा करा हुआ उन्होंने, ऐसा करा हुआ, बिल बेखराब बेखराब। हाँ, और गलती अपनी भी नहीं। यदि आपको सब पढ़ा दिया मैंने, चार कर्म भी पढ़ाए हैं और ज्ञान चेतना भी पढ़ाई है, आप पूरे प्रवचन 10 दिन के जितने हुए हैं, आप क्या कहें? आप अपने लक्ष्य से सुनो, आपको बहुत नवीनता मिलेगी। इतना होमवर्क है इसमें, पूछो मत पूरी जिंदगी के लिए। आप कहीं भोजन करने जाओ, रिश्तेदारी में जाओ, ज्ञान चेतना की तैयारी करके जाओ, मतलब भेद विज्ञान की तैयारी करके जाओ। यदि वह हमारे अनुकूल नहीं हुआ तो इससे एक्सपेक्टेशन टूटेगी, बस ज्ञान चेतना जन्मेगी। कैसा भोजन मिलना चाहिए एक बात कहकर के बताता हूँ आपको। पूर्व में समझाइए, हालांकि विस्तार से तभी का प्रोसेस समझ लेना, अभी तो केवल इशारा कर रहा हूँ। जब भी लोग मुझे देखते हैं ना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ब्रह्मचारियों को बड़ा मजा है, ब्रह्मचारियों को बड़े सुख हैं। तो फिर वो मेरे पास आते भी हैं, लेकिन उन्हें मजा नहीं आता। तब उनका भ्रम टूट जाता है मेरे पास आकर, ए हमने तो सोचा था ब्रह्मचारियों को बड़ा मजा है, वहां तो बोरियत है, सुबह से शाम तक कोई काम नहीं, घर में एक कमरे में रहो, पढ़ते रहो बस, फिर कुछ काम ही नहीं, ये तो बड़ा बोरिंग जॉब है। जोड़ता हूं, अब कल्पना करो 5 इंद्रिय के विषयों की सुविधा भी ना मिले तो बिल्कुल हताश हो जाए। ये भैया ना मोबाइल पे भजन सुन सकते, ना मोबाइल पे प्रवचन सुन सकते, और ना किसी से गप्पेट लगा सकते, और ना सड़क पे घूमने जा सकते, ना पिकनिक कर सकते, और भोजन भी बिना नमक का, बिना शक्कर का, बिना गुड़ का, ये भैया, और फिर वो भी बिना इज्जत का। ओहो बोलो, ऐसा ब्रह्मचर्य कोई पसंद करेगा? अरे ये भैया, इससे तो हम घर में ही अच्छे थे, कल से प्रवचन सुनते थे 2 टाइम, और आनंद से तो रहते थे। आनंद से रहता था कि रोद्र ध्यान से? और रोद्र ध्यान में ठकाना नहीं लगता। सुना, भगवान बनने के लिए मर पच करके आई कत्म अपी मृतवा, भोजन जैसा ही मिले भगवान बनना है बोल, कपड़े जैसे ही मिले भगवान बनना है बोल, बाहर में सुविधा नहीं मिले भगवान बनना है बोल, तो फिर सोच, और नहीं तो बाहर निकल करके बाद में बदनाम करोगे क्या? तो फिर मैंने खुल करके प्रवचन किया पिछली बार, आपको याद हो तो, बोला भैया मोक्ष मार्ग में सुख तो है लेकिन सुविधा नहीं है। क्या कहा? घर में सुविधा है लेकिन सुख नहीं है, मोक्ष मार्ग में सुख है लेकिन। अब तुम सुख को सुविधा का पर्यायवाची समझ के निकले थे तो गड़बड़ है। क्या कह रही? सुख को सुविधा का पर्यायवाची मान के निकले तो गड़बड़ है। बोल, 4 दिन की चांदनी बोल, 4 दिन घर में सुख सुविधा से रह लो, फिर 84 लाख योनियों में सुविधा कहाँ कहाँ है? थोड़ा देवों को भी छोड़ दे, चारों सातों नरक में 100% असुविधा, और 84 लाख योनियों में 83 योनि कितनी है, सब में असुविधा। अब बोल, अब क्या करोगे? सुना, सुविधाओं की मुखापेक्षा मत करो। मैंने इसलिए वाक्य बोला है, सूक्ति सुनी होगी आपने, वैराग्य सुविधाएं नहीं जुटाता, वैराग्य व्यवस्थाओं की
मुखापेक्षी नहीं होती, कठिन भाषा ऐसी है, कठिन भाषा बैराग व्यवस्थाओं की मुखापेक्षी नहीं, मोहताज नहीं है। मोहताज उर्दू का शब्द है इसलिए अच्छा नहीं लगता मुझे, किसी ने लिख दिया कन बदल करके, ये सब मेरे निमित्त उपादान की प्रवचन की नीति वाक्य है, उनमें चलाई थी ये सब चर्चा। बोला सुख चाहिए कि सुविधा चाहिए, जब आपको सुख की पहचान होगी तो सर्वत्र सुख होगा, और सुविधाओं के चक्कर में तो तुम अरबोंपति घर में भी चले जाओ तो अभी तुम दुखी रहोगे। क्यों? क्योंकि सुविधाओं का कभी अंत नहीं आता, सुविधाओं की अपेक्षाओं की कोई अंत नहीं आता। बोलो भैया कितने जरूरत है कन्वर्ट करने की, क्षण क्षण में। बोलो भोजन करने जाओ, पहले ही सोच के जाओ जैसा भी भोजन मिलेगा मुझे आनंद करना है। मैंने परसों तीन चार दिन पहले एक बात बोली थी ना, मैंने प्रसन्न रहने की प्रतिज्ञा की है, प्रसन्न रहने की प्रतिज्ञा की है। अब जंगल में रहेंगे तो मजे में रहेंगे, कपड़ा होंगे तो आनंद करेंगे, नहीं होंगे तो आनंद करेंगे, कपड़ा छोड़कर आनंद नहीं करेंगे, आनंद में कपड़े छूटते हैं, कपड़ा छोड़ने कोई आनंद थोड़ी आता है। लगाना सब जगह, सब जगह लगाना। इस तरह आप कर्म फल चेतना को ज्ञान चेतना में कन्वर्ट करना आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कौन सा पॉइंट चला है इसमें से? कर्तव्य, कर्तव्य क्या है आपका कर्तव्य? ज्ञान चेतना में कन्वर्ट करो, दूसरी भाषा में कहो तो भेद विज्ञान करो, तीसरी भाषा में कहो तो ज्ञान चेतना को नचाओ, और चौथी भाषा में कहो तो कर्म फल में संन्यास। संन्यास का अर्थ थोड़ा सा रह गया, समझ तो गए हो तो अच्छा है। न्यास का मतलब अभोक्ता, अभोक्ता अच्छी भाषा में कहो तो ज्ञाता, ज्ञाता बस। और अच्छी शब्दों में एकदम एग्जाम्पल दें तो टोडरमल जी ने दिया है, वही एग्जाम्पल दे दें आजकल की भाषा में, बैंक का कैशियर, बैंक का कैशियर समझते हो? लोग अरबों रुपए लेकर खड़े हो विंडो पे और तीन की सुई हुई, सेकंड का कांटा तीन पे आया, भाई साहब क्या बैरागी है आप कल आइए, आप समय हो गया, ऐसे तैयार रहता है गायक में जाने के लिए। बेटा इतना समय था तुम्हारे लिए, अब हो गया, अब हम जा रहे हैं। बेटा अब रोटी का काम हो गया, अब हम अपने में जा रहे हैं। भोजन का काम हो गया, तेरा काम हो गया, अब हम अपने में जा रहे हैं। इसका नाम है संन्यास। हाँ संन्यासी, मुनिराजों को संन्यासी कहते, क्यों? सम्यक दर्शन से न्यास शुरू हुआ है। ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, अकर्ता अभुक्ता, अकर्ता अभुक्ता, अकर्ता अभुक्ता, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस पूरी हुई तो सन्यासी। अब पढ़ लेना जरा, सन्यास की भावना को नचाता है, नचाता है मैंने पढ़ना माता है, प्रैक्टिस करता है। आज बहुत बात आ गई भैया तुम्हारे भाग से, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अभी इतना क्या कहें, इतने प्रमादी हैं, सोचने तक को तैयार नहीं, खाते समय इतना भी विचार नहीं आता कि मैं क्या है, और मैं इनका भोगता हूँ, कुछ सोचो तो जरा, एक जरा जरा सी चीजों के मैं सच में ज्वालामुखी बैठे अंदर, ज्वालामुखी। क्या मजा किसी सास को बहू पसंद आ जाए, हमारे मालवा साइड तो ऐसी भाषा बोलते, एवलीच है, एवली है, एवली समझ, एव, एव, बहुत कमियां, आप क्या कुछ गांडी कहते, बहुत बावली है, काम ही नहीं आता, ढंग से खिला नहीं सकती, बना नहीं सकती, फला नहीं कर सकती, माने ए भाई एव, एव माने कमियां, ये ऐसा लगता है। अरे प्रभु, लेकिन भगवान आत्मा है, प्रभु भगवान आत्मा बहुत बड़ा है, वो तेरे कर्म फल में ऐसा हो रहा है, समझ में आया? बहुत दृष्टांत दिए जा चुके हैं, अब देना नहीं चाहे थे, मैंने तो देखा है, स्त्री बहुएं सास कोई खराब नहीं, दुनिया में कोई खराब नहीं, पति पत्नी कोई खराब नहीं, लिखा है इन्होंने रतनगढ़ साहब का आचार्य जी में, ये कर्म के फल के उदय का अंतर है, उदय के नाच में नाचते हैं। मैंने देखा है महिलाएं कभी पति को दुखी नहीं करना चाहती, उनके लिए इतना सोचती हैं, बनाओ खिलाओ अच्छा करो अच्छा करो, लेकिन उसके भाग में दुख लिखा हो तो दुखी होता है वो, क्या करे वो,
ऐसे पति भी पत्नी को बहुत प्रसन्न करने के लिए सोचता है, लेकिन कर तो उतना ही सकते हैं ना, निमित्त तो उतना ही मिलता है जितना उदय है। आप बहू बेटा अपने माता पिता के लिए इतना करना चाहते, सास ससुर की इतनी सेवा करना चाहते, लेकिन उनके भाग से ज्यादा नहीं कर सकते। देख लेना ये आखिरी के पॉइंट देख ले जरा, हर आदमी ईमानदार है और कर्म भी ईमानदार है, लेकिन तुम्हें कर्मों की ईमानदारी नहीं लगती, इसलिए ये सब बेईमान लगते हैं। कौन? नौकर, ये तुम्हें बेईमान लगते हैं। आप ज्ञान चेतना में बदलने के लिए तैयार रहो, और केवल ज्ञान चेतना में बदलने के लिए स्वाध्याय करो। हाँ, जब भी तुम्हारे जब भी किसी का दोष दिखाई दे तो समझो कंप्यूटर में एरर आ गई। एरर आती है ना, जैसे किसी को लगता है ये बहुत खराब आदमी, एरर सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो, ज्ञान चेतना में बदलो। हाँ, और फिर आगे बताया था कर्म का ही दोष नहीं, आगे तक भी आओ तो यहाँ तक आओगे तो ज्ञान चेतना हो जाएगी। बहुत कुछ पढ़ा दिया है, बता दिया है, थोड़ा थोड़ा सब ले लिया। एक पॉइंट बता के पूरा कर दूँ, वैसे तो दो तीन पॉइंट है, फटाफट बता देता हूँ। वैसे इसमें पढ़ के भी समझ सकते हो आप, मैं इसलिए नोट करके लाए पॉइंट कौन कौन से रह गए। मुख्यता और गौणता की बात करणानी की बात है थोड़ी सी। मुख्यता से तो दो इंद्री से, मुख्यता से तो त्रस जीव दो इंद्री से लेकर असंगी पर्यंत एक एक अलग अलग बताता हूं। ज्ञान चेतना की मुख्यता है, पूर्ण ज्ञान चेतना की मुख्यता सिद्ध भगवान को और अनंत भगवान को, और टोटली कहो तो सिद्ध भगवान, आठ कर्म नहीं रहे इस अपेक्षा से पूर्ण ज्ञान चेतना सिद्ध भगवान को। ये बात आई पंचास्ती काय जी में लिखी हुई गाथा 39 में, सादी अनंत सिद्ध भगवान के लिए। फिर मुख्यता, कर्म चेतना की मुख्यता होती है दो इंद्री से, एक इंद्री को कर्म चेतना नहीं कहते, एक इंद्री को कर्म चेतना की मुख्यता नहीं है, उसको कर्म फल की मुख्यता है। इसीलिए दो इंद्री तरह से आगे बढ़ करके कर्म चेतना, और दो इंद्री से असंगी पर्यंत कर्म फल चेतना। कर्म फल चेतना की मुख्यता, कर्म फल भोगने की मुख्य